नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज वीवो इंडिया में अपना वीवो S1 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिसका जो प्रोसेसर होगा वो होगा हीलियो P65, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन कुछ दिन पहले वीवो ने अपना एक दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 712, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। वीवो Z1 Pro जिसमें स्नैपड्रैगन 712, इसका प्राइस है 15,000 रुपये और वीवो S1 का प्राइस शुरू होगा 17,000 से। तो देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन इसमें जो 2,000 रुपये ज़्यादा है, क्या इसके लिए ये जो प्रोसेसर है क्या जस्टिफाई करता है इसका प्राइस या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसे ही प्रोसेसर रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में भी पाना चाहते हैं, तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हीलियो P65 और स्नैपड्रैगन 712 का अगर हम कंपैरिजन शुरू करें, तो पहले हम देखेंगे इसके प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में। स्नैपड्रैगन 712 बना है 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे और हीलियो P65 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर के मामले में ए नंबर जितना कम होगा वो प्रोसेसर उतना बैटरी एफिशिएंट होगा, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा और उतना कम ओवरहीट होगा। मतलब इस मामले में स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। दोनों प्रोसेसर ही है ऑक्टाकोर प्रोसेसर। दोनों प्रोसेसर के जो पहले दो कोर्स है वो है A75 कोर्स और जो दूसरे 6 कोर्स है वो है A55 कोर्स। लेकिन स्नैपड्रैगन 712 पर जो दो हाई परफॉर्मेंस कोर है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.3 GHz और जो हीलियो P65 उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.0 GHz। प्रोसेसर स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। स्नैपड्रैगन 712 में एड्रीनो 616 जिसका GPU फ्रीक्वेंसी है 550 MHz और हीलियो P65 में माली G52 GPU जिसका फ्रीक्वेंसी है 820 GHz। पेपर में तो हीलियो P65 ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन अगर हम इसका गेमिंग टेस्ट देखे, मैंने गेमिंग टेस्ट देखा है और ऐसा दिख रहा है कि स्नैपड्रैगन 712 का जो GPU फ्रीक्वेंसी वो कम है, लेकिन इसका GPU स्कोर हीलियो P65 से ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ में जो हीलियो P65 इससे बहुत ही बढ़िया है वो है AI स्कोर। स्नैपड्रैगन 712 में बहुत सारा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है, जैसे ऑटो सीन डिटेक्शन और भी बहुत सारे फीचर्स। लेकिन हीलियो P65 में डेडिकेटेड AI चिप है। इसका AI जो स्कोर है, ये मीडियाटेक की तरफ से ऐसा कहना है कि जो कंपटीशन है कंपटीशन से 30% ज़्यादा हीलियो P65 का AI स्कोर है। मतलब AI डिपार्टमेंट में हीलियो P65 बहुत ही अच्छी तरह से जीत जाता है। स्नैपड्रैगन 712 में डुअल 16 MP कैमरा या फिर एक सिंगल 32 MP कैमरा सपोर्टेड है, लेकिन हीलियो P65 में 48 MP तक का सेंसर का सपोर्ट है। मतलब कैमरा के डिपार्टमेंट में हीलियो P65 जीत जाता है। स्नैपड्रैगन 712 में LPDDR4X रैम का सपोर्ट है, जो कि 8 GB तक हो सकता है और इसमें UFS 2.1 एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो कि फोन के जो रीड और राइट स्पीड है उसे और भी ज़्यादा तेज करेगा। इस मामले में अगर हम हीलियो P65 से कंपेयर करें तो इसमें LPDDR3 या फिर LPDDR4 तक का सपोर्ट है। LPDDR4X का सपोर्ट इसमें नहीं है और इसमें UFS 2.1 का सपोर्ट नहीं है, बस इसमें eMMC 5.1 का सपोर्ट है। मतलब हम रैम स्पीड और इंटरनल मेमोरी स्पीड में देख पाते हैं कि स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है। अगर हम अपलोड और डाउनलोड स्पीड की बात करें तो स्नैपड्रैगन 712 का जो डाउनलोड स्पीड है वो है 800 Mbps, क्योंकि इसमें कैट 15 मॉडेम लगा हुआ है और इसका जो अपलोड स्पीड है वो है 150 Mbps, क्योंकि इसमें कैट 13 मॉडेम लगा हुआ है। अगर हम हीलियो P65 की बात करें तो इसका जो डाउनलोड स्पीड का जो मॉडेम है वो है कैट 7 और जो अपलोड स्पीड का मॉडेम है वो है कैट 13। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका डाउनलोड स्पीड स्नैपड्रैगन 712 से बहुत ही कम है। और स्नैपड्रैगन 712 में एक और फीचर है जो कि ट्राई बैंड वाईफाई का सपोर्ट है। ये सब तो हो गया इसका इंटरनल स्पेसिफिकेशंस। अगर हम एंटूटू स्कोर और गीकबेंच स्कोर के स्कोर को देखें तो स्नैपड्रैगन 712 का एंटूटू स्कोर है 179,000 और हीलियो P65 का एंटूटू स्कोर देखें 145,000। मतलब बहुत ही कम है एंटूटू स्कोर के मामले में। अगर हम गीकबेंच के स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 712 जीत जाता है, क्योंकि इसका सिंगल कोर स्कोर 1800 है और हीलियो P65 का सिंगल स्कोर 1700 है। लेकिन मल्टी स्कोर के मामले में हीलियो P65 थोड़ा सा आगे। तो अगर हम ओवरऑल कंपटीशन देखें तो हीलियो P65 हीलियो P75 से एक ही मामले में ज़्यादा अच्छा है, वो है AI स्कोर
30% ज़्यादा AI स्कोर है, लेकिन बाकी सारे मामले में स्नैपड्रैगन 712 बेहतर है और हर एक मामले में हीलियो P65 को बीट करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आज का वीडियो यही था, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।